इस बुढ़ऊ को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि काम हो जाने के बाद फ्लश चला दिया कर, लेकिन सुनता ही नहीं। ग्रैनी इसको कितनी बार डांट चुकी है, लेकिन बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है अब ग्रैनी का डंडा खा के ही मानेगा। Oh, no. बुढ़ऊ कहीं का बिटवा। अरे ओ बिटवा। हाँ ग्रैनी। बिटवा तुझे तो पता है ना, धमाकेदार पार्टी होने वाली है, तो जल्दी से मुझे एक सेक्सी सी ड्रेस चुनने में हेल्प कर दे, ताकि मैं पार्टी में सारी भूतनियों जुड़ा लो डाइनो से दिन चेक दिखूं। ठीक है ग्रैनी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लगता है ये मेरे सरप्राइज बर्थडे पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ छुप कर इनकी बातें सुनता हूँ। साथ में मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप में भी हेल्प करवा दे, जल्दी चल। वैसे ग्रैनी पार्टी परसों है ना? परसों ही तो मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है। हाँ बिटवा, पार्टी परसों है, फिलहाल तू इस बात को अपने ग्रैंडपा से सीक्रेट रखियो। ओके। सॉरी माय स्वीटी, मैंने तो सब सुन लिया, इट्स माय बर्थडे, येपे। यहाँ खड़े रहकर इनकी बातें सुनता हूँ कि ये बर्थडे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पार्टी के लिए तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा बिटवा। ग्रैनी जब पार्टी होने वाली है ना, उस पार्टी के मेन्यू में क्या क्या है? पार्टी में होगा चमगादड़ मुसल्लम, कौवा बिरयानी, मकड़ी सूप, बरवा क्रोकोडाइल, गिरगिट दो प्याजा, गेंडा तंदूरी और क्रिस्पी कॉकरोच। अरे वाह, सुन के मुँह में पानी आ गया। अरे वाह ग्रैनी, पार्टी में झरझरी फुरफुरी का डांस तो होगा ना? हाँ हाँ, उन दोनों कर्मचारियों को भी बुलाया है, उनके डांस के बिना तो पार्टी अधूरी है, दोनों कटीली नचनिया जो है। और क्या होगा पार्टी में? उप्स, बड़ा कंट्रोल किया लेकिन छूट ही गया, अभी यहाँ से भाग लेता हूँ वरना ये लोग मुझे देख लेंगे। ये बुढ़ाऊ भी ना क्या? ग्रैनी ग्रैंडपा का खाना थोड़ा कम करो ना। ना ना बिटवा, वरना तार बिजली से पतले हमारे पिया हो जाएंगे। वैसे ग्रैनी पार्टी में खूब मजा आने वाला है ना? Yes dude, I'm so excited. Happy birthday to you जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े क्यूटी होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी, my birthday is coming. अरे ये तो नीचे गिर गया। बेटवा। Oh no. सॉरी ग्रैंडपा, मेरे हाथ से ही गिर गया। बेटवा मेरे बर्थडे की तैयारियों में बिजी है ना, तो शायद इसके ध्यान में नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं लल्लू लाल, गलतियां तो होती रहती हैं, मैंने तुझे माफ किया। क्या बात है, बुढ़ऊ तो मुझे हर रोज छोटी छोटी बातों पे डांटता है और आज इसने मुझे कुछ नहीं कहा। सॉरी ग्रैंडपा, आगे से ध्यान रखूंगा। अरे इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, तू अपनी तैयारी मतलब अपने काम पे ध्यान दे। वैसे ग्रैंडपा पार्टी में कितना मजा आता है ना, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, यहाँ तक कि पुराने फ्रेंड्स और रिश्तेदार भी मिल जाते हैं जिनको हम कई टाइम से नहीं मिले होते। हाँ तूने सही कहा, पार्टी तो होती ही दिल खुश करने के लिए है, मजा आ जाता है एकदम जबरदस्त। क्या बात है, आज तो बुढ़ऊ बड़ा खुश नजर आ रहा है। मेरा बर्थडे जो आने वाला है। सुन बिटवा। हाँ ग्रैनी। उस निकम्मी निकट्टू सिलेंडरीना को भी फोन कर दे। ठीक है ग्रैनी। साथ में उस चालू चांपली इविल नन को भी कॉल कर दियो। अरे क्या बात है, गेस्ट लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ वो भी तो आ रही है पार्टी में। तुझे तो पता है ना उनको क्या बोलना है, जा उनको कॉल कर दे। हाँ अभी कर देता हूँ। आर कैसी हो सिलेंडरीना दीदे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? बस ओह नो। अरे ये कैसे हुआ? अरे बाप रे, मैं तो फंसते फंसते बचा। हेलो एनीबॉडी इज देयर? हेलो। वैसे आपने पार्टी के लिए अपनी ड्रेस डिसाइड कर ली है? क्योंकि ग्रैनी ने तो अपनी ड्रेस ना ड्राई क्लीनिंग के लिए कब की दे दी। अरे कबर में जाने की उम्र में बुढ़िया स्टाइलिश दिखना चाहती है। ओह नो भाई, तो कमबख्त नजर लगा देंगे इनको अपनी नई ड्रेस के बारे में कुछ ना बताऊंगी। अरे मैं तो अपनी अलमारी से कुछ भी पुराना तुराना निकाल कर पहन लूंगी। पता है ग्रैनी ना आज पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग फेशियल ये सब करवाने जा रही है, आपने करवा लिया? अरे मैं तो एकदम नेचुरल ब्यूटी हूँ, टच ब्यूटी।
मुझे सबकी जरूरत ना है, जल्दी से मैं भी पार्लर के अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय। नेचुरल ब्यूटी। बिटुआ, अरे ओ बिटुआ। हाँ स्पाइडर बेबी। अरे ये बुढ़िया मुझे इतने दिनों से खाना देने के लिए आ रही है, कहाँ मर गई है ये कमबख्त? वो ग्रैनी बिजी है ना पार्टी की तैयारियों में, इसलिए वो तुम्हें खाना देने नहीं आ पाई। क्या पार्टी? पार्टी मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पार्टी में जाना है, मुझे भी पार्टी में जाना है। पता नहीं कि तुम पार्टी में इनवाइटेड हो भी कि नहीं। अगर पार्टी में नहीं बुलाया ना तो तुम सबकी ऐसी कम तैसी कर दूंगा। आ जाना। अब ज्यादा दांत क्या फाड़ रहा है ग्रैनी के चमचे, जा जाकर मेरे खाना लेकर आ, आया बड़ा। ओह नो। हाँ ठीक है जाता हूँ। चमकादड़ क्या बना है। सच में मजा आ गया बिटुआ। क्या बात है बाबू, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे स्वीटी मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, मैं तो एकदम खुश मिजाज लौंडा हूँ। खुश मिजाज? झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही बुढ़ऊ को? मेरे जालू को किसी की नजर ना लगे। लव यू। शुक्र है इन्हें पता नहीं चला कि मैंने पार्टी के बारे में सब सुन लिया है। अगर इन्हें गलती से भी भनक लग गई ना तो स्वीटी मेरा सर फोड़ देगी। इट्स माय बर्थडे टुडे, वूहू। यहाँ रहकर इनकी बातें सुनता हूँ कि पार्टी में इन्होंने क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं। ग्रैनी आपकी पार्टी की ड्रेस आ गई क्या? कमबख्त ने मेरी ड्रेस जला दी, अब यही पहन के पार्टी में जाना पड़ेगा। खाना बन गया है तो थोड़ा सा मुझे टेस्ट करा दे। हाँ, ग्रैनी बस बना ही रहा हूँ। चल फिर मैं भी पार्टी में निकलने की तैयारी करती हूँ। अरे ये डाइनिंग रूम कब डेकोरेट करेंगे, पार्टी का टाइम होने वाला है। अरे इन्होंने तो इस रूम को भी डेकोरेट नहीं किया, और कितना सरप्राइज रखेंगे बाबा ये लोग भी ना। जानो। आया जाना। मेरे शोना मोना, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ। अरे पार्टी कहीं बाहर है क्या? हाँ, पार्टी होटल वीराना में है। अरे वाह, तुमने मेरी बर्थडे पार्टी होटल वीराना में रखी है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। ओह नो। ओह माय गॉड बेबी, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं तो भूल ही गई थी। तुम ज्यादा एक्टिंग मत करो, मुझे सब पता है, तुम इतने दिनों से पार्टी की तैयारियां कर रही थी और गेस्ट को भी तो फोन कर रही थी। कब्रिस्तान के 5-स्टार होटल में हमारी किटी पार्टी है, तो मैंने बिटवा से कहा था कि स्लेंडरीना से मेरा नेकलेस मांग ले, और इविल नन मेरा मेकअप लेकर गई है, इसलिए फोन किया था। क्या तुम सच में मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू भूल गई हो? बुढ़ाऊ का आज बर्थडे, मुझे तो याद ही नहीं रहा, लेकिन कम से कम ये बुढ़िया तो अपने पति का बर्थडे याद रखती। स्वीटहार्ट, मैं अपनी किटी पार्टी की तैयारी में बहुत बिजी थी, तो तुम्हारा बर्थडे मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो। अब ग्रैनी को इस सिचुएशन संभाले दो, मैं यहाँ से कल्टी हो जाता। अभी मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, लेट हो रहा है, अगले साल तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगी। ओके। ओह नो। ओके स्वीटी, पार्टी में एंजॉय करना, बाय बाय। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हर साल मैं इनका बर्थडे धूमधाम से बनाता हूँ और ये मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू भूल गए, मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। ये तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ बर्थडे बॉय। ग्रैंडपा, 2 घंटे हो गए आप कमरे में बंद हो, अब तो हमें माफ कर दो, नेक्स्ट ईयर ना आपका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। तेरी ग्रैनी कहाँ है? ग्रैनी वो तो चले गई अपनी किटी पार्टी में। ग्रैंडपा टीवी पर ना आपकी फेवरेट फिल्म आ रही है, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, चलो ना जाकर देखते हैं। मेरा बर्थडे तो मनाया नहीं, चल फिल्म देखकर ही मन बहला लेता हूँ, मेरी फेवरेट फिल्म है। चलो। Surprise! Happy birthday, Papa Ji! Happy birthday, Chichi! Happy birthday, Grandpa! तो शोना कैसा लगा सरप्राइज, आया ना मजा? तुम्हें क्या लगा तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनोगे और हमें पता नहीं चलेगा? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। थैंक यू स्वीटी फॉर द बर्थडे पार्टी, तुमने तो मेरा पचका ही कर दिया था। वाओ, आई एम सो हैप्पी। अभी तैयार होकर आता। हाँ बिटवा जा। चलो पार्टी पीपल ऊपर जाकर केक काटते हैं। कैसी लगी सरप्राइज बर्थडे पार्टी? अरे मुझे तो लगा कि तुम मेरा बर्थडे भूल ही गए हो, क्या मस्त एक्टिंग की तुम दोनों ने, वाओ।
ऐसा हो सकता है क्या? हमको आपका बर्थडे याद था क्या बाबू? तुम भी, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। ग्रैंडपा आपका बर्थडे केक। वाओ, I love it। चलो अब गाना गाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। Thank you all for coming to my birthday party. Love you all. हम तो बुढ़ाओ का बर्थडे भूल ही गए थे। ये पार्टी तो बिटवा की वजह से ही हो पाई। बिटवा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुढ़ाओ को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है और हम उसका बर्थडे ही भूल गए। यानी हम ग्रैंडपा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें उन्हें धमाकेदार पार्टी देनी होगी। Now how is possible बिटवा? अरे आप टेंशन मत लो ग्रैनी, आपका बिटवा है ना, आप बस देखते जाओ। ओके। बिटवा ने लास्ट मोमेंट पे पार्टी करके कमाल ही कर दिया। अरे छुटुआ, तुम तो बुढ़ा का बर्थडे भूल गए थे ना, तो लास्ट मोमेंट पे कैसे प्लान किया? पता है सिलेंडर ना दद्दे, हम तो ग्रैंडपा का बर्थडे भूल ही गए थे। क्या इतना बड़ा धोखा? नो बिटवा, तू कुछ देर अपनी चोंच बंद नहीं रख सका, तेरी तो। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी देखकर मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड सब्सक्राइब करें मेरे न्यू चैनल मोहक मीत गेमिंग को, जिसमें मैं न्यू गेम प्ले और गेमिंग वीडियोज लाता रहूंगा। सो सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत गेमिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।